जवान हूँ दोस्तों। जवान का पांचवें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल गया है और भाई ये कलेक्शन आज भी तबाही है। पांचवें दिन के बाद भी, नॉन वीकेंड डेज होने के बाद भी जवान के जो कलेक्शंस आ रहे हैं वो लिटरली बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। इंडिया से जो कलेक्शन है, लैंग्वेज वाइज जो कलेक्शन है और वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है, वहां तो ये फिल्म फाड़ती हुई नजर आ रही है। अब महज 250 करोड़ इस फिल्म का बजट है, बट ये अपना बजट रिकवर मात्र 4 दिन के अंदर कर चुकी थी, यानी कि 3 दिन के अंदर भी कर चुकी थी, और पांचवें दिन का जो कलेक्शन आया है, चलिए आज उस पर बात करते हैं। देखो पांचवें दिन का जो जवान का कलेक्शन आया है, बट उससे पहले जो इसने रिकॉर्ड तोड़े उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। फास्टेस्ट 500 करोड़ करने वाली मूवी बन चुकी है जवान, फास्टेस्ट 300 करोड़ करने वाली मूवी बन चुकी है इंडिया के अंदर जवान। तो भैया ऐसे रिकॉर्ड्स जो है जवान हर दिन तोड़ती हुई नजर आएगी, और मैं कह सकता हूं कि फास्टेस्ट 1000 करोड़ पार करने वाली भी मूवी बनेगी जवान। आपको क्या लगता है आपको कमेंट बॉक्स में बताओ, बट मैं बात करता हूं कि आज भैया इसका जो पांचवें दिन का कलेक्शन आया है वो कितना आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर डे वाइज में याद दिला दूं इस फिल्म में कितने कलेक्शन किए हैं इंडिया से, तो डे वन के अंदर इंडिया का जो कलेक्शन आया था वो आया था 75 करोड़ रुपीज। डे टू के अंदर इस फिल्म ने जो कलेक्शन किया था वो किया था 53 करोड़ रुपीज। डे थ्री के अंदर जो कलेक्शन आया था वो आया था 77.83 करोड़ रुपीज। डे फोर के अंदर जो कलेक्शन आया था वो आया था 80.11 करोड़ रुपीज, और डे फाइव के अंदर अब जो कलेक्शन आया है वो आया है 32.92 करोड़ रुपीज, यानी कि 32.92 करोड़ रुपए इस फिल्म ने टोटल कलेक्शन किया है। चलिए इसे लैंग्वेज वाइज बता दूं तो हिंदी लैंग्वेज से जो कलेक्शन आया है पांचवें दिन का वो आया है 30 करोड़ रुपए। अगर मैं बात करूं तमिल लैंग्वेज से जो कलेक्शन आया है वो है 1.55 करोड़ रुपीस का, और तेलुगु लैंग्वेज से जो कलेक्शन आया है वो आया है 1.12 करोड़, यानी कि 1.12 करोड़ रुपए कमाए इसे तेलुगु लैंग्वेज से। अब अगर मैं यहाँ पे ये बता दूं कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका पांचवें दिन का क्या रहा है, तो 52 करोड़ रुपए इसने वर्ल्ड वाइड के अंदर कमाए हैं। जहां अगर मैं आपको इंडियन टोटल कलेक्शन बता दूं पांच दिन के बाद, तो जवान मूवी का हो जाता है 319.80 करोड़ रुपीज, यानी कि 319.80 करोड़ रुपए जवान मूवी ने पांच दिन के अंदर कमा लिए हैं, और ये पठान को भी पीछे छोड़ रही है जो कि इस साल की सबसे बेहतरीन मूवी रही है बॉलीवुड की तरफ से। बट अगर मैं बात करूं इसमें हिंदी लैंग्वेज से अभी तक टोटल क्या कलेक्शन किया है, तो जवान मूवी ने हिंदी लैंग्वेज से जो टोटल कलेक्शन अभी तक कर लिया है वो कलेक्शन हो जाता है भैया 282 करोड़ रुपए, यानी कि 282 करोड़ रुपीज इस फिल्म ने हिंदी लैंग्वेज से कमाए हैं पांच दिन के बाद। बट अगर मैं बात करूं इसने तेलुगु लैंग्वेज से क्या कलेक्शन किया है, तो तेलुगु लैंग्वेज जो कलेक्शन आया है वो है 15.49, यानी कि 15.49 करोड़ रुपए, और तमिल लैंग्वेज जो कलेक्शन आया है वो आया है 21.01, यानी कि 21.01 करोड़ रुपए इस फिल्म ने तमिल लैंग्वेज से कलेक्शन किया है। बट इस सब चीजों को अगर किनारे करें और बात करें कि इंडिया नेट कलेक्शन जो 319 करोड़ हो जाता है वर्ल्ड वाइड के अंदर, ये कमाल करती हुई नजर आई, क्योंकि दोस्तों ओवरसीज के अंदर इसने लगभग 192 करोड़ रुपए कमा लिए, यानी कि 192 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है पांच दिन के अंदर, जो कि ये ओपेनहाइमर मूवीज को और बारबी जैसी मूवीज को पीछे छोड़ती हुई नजर आई है। क्योंकि नॉर्थ साइड भैया नॉर्थ वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखोगे तो ये फिल्म बड़ी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ चुकी है। बट अगर मैं बात करूं अब इसका वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन कितना हो जाता है, तो जवान मूवी का पांच दिन के बाद वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन हो जाता है 575 करोड़ रुपए, 575 करोड़ रुपीज इस फिल्म ने ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है सिर्फ पांच दिन में। और छठवें दिन में ये 600 करोड़ करेगी, सातवें दिन में आई थिंक 650 करोड़, और मुझे लगता है कि लगभग 11 से 12 दिन के अंदर यह फिल्म 1000 करोड़ भी कंप्लीट करती नजर आएगी। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स से जरूर बताइए कि भैया जवान मूवी कितने दिन के अंदर 1000 करोड़ कंप्लीट करने वाली है, और क्या ये 1000 करोड़ कर पाएगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।